हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बात करते हैं कि मोबाइल में व्हाट्सअप कैसे गए, जो व्हाट्सअप है उसमें हम स्टेटस कैसे लगाएं और उस स्टेटस को हम फेसबुक पे कैसे शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस बारे में जानते हैं कि व्हाट्सअप पर स्टेटस कैसे लगाएंगे, उसको देखेंगे कैसे और भी उसको शेयर कैसे करेंगे फेसबुक पर, ये सब चीज़ें जानते हैं। लेकिन कई सारे लोग इसको भी नहीं जानते, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इससे होता है। सो आज हम उसी के बारे में क्या है बात करने वाले हैं। सो देखिए, आपको करना क्या है, आप अपना जब व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो स्क्रॉल करके यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस लिखा गया है। यहाँ पे आपको स्टेटस जो लगाना होता है, आप देखो यहाँ पे जब क्लिक करूँगा वहाँ पे अगर आपको कोई स्टेटस नहीं लगा हुआ है तब भी क्लिक करते ही देखिए आपका यहाँ तुरंत ओपन हो जाएगा स्टेटस लगाने के लिए। फ़ोटो आप चूज़ कर सकते हो, वीडियो चूज़ कर सकते हो। अभी तो जो रिसेंट में मेरे यहाँ पे सब कुछ सेव है वो दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वीडियो है, यहाँ पे फ़ोटो है, जिस पर भी क्लिक करूँगा और यहाँ से बस शेयर बटन पर क्लिक करूँगा, मेरा जो स्टेटस है वो शेयर हो जाएगा, ठीक। और हाँ, अगर वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से ज़्यादा का स्टेटस नहीं लगता है वीडियो में। फ़ोटो तो आप जितना चाहो उतना लगा सकते हो। फिर सेकंड ऑप्शन क्या होता है, सेकंड ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हो एक कैमरे का ऑप्शन होता है। कैमरे पे आप क्लिक करोगे तब भी आपके सामने वही सेम टू सेम इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हो अपना स्टेटस फोटो भी लगा सकते हो, वीडियो डालना है तो अपने गैलरी में जाके कहीं से भी जो भी चीज़ लगाना है उसको चूज करके बस शेयर बटन पर क्लिक करना है। जैसे मुझे क्या करना है, ये जो मेरा है इसी को क्या करना है, मुझे स्टेटस लगाना है। सो मैं मेरा ये फ़ोटो क्या होगा स्टेटस लग जाएगा, पर इसके कैप्शन में कुछ लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो ये फ़ोटो इसी से रिलेटेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, इसे अप्लाई नाउ, ठीक, मैंने लिख दिया और यहाँ से शेयर कर दिया। अब आप यहाँ पे जब स्क्रॉल करके ऊपर आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माय स्टेटस फिर क्या हो रहा है, सेंडिंग हो रहा है। अब ये भेज रहा है, अब जस्ट नाउ लिख दिया, ये भेजा गया। देखिए जो भी स्टेटस है यहाँ से आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर नीचे देखिए कैप्शन में यहाँ लिख भी दिया है कि अप्लाई ना, और यहाँ पे ये फ़ोटो भी लग गया है। अब बात होती है कि इसको हम व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आप अपना स्टेटस यहाँ से शेयर करते हो वैसे ही एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है शेयर टू फेसबुक स्टोरी। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए पेज ओपन होते ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि शेयर टू फेसबुक स्टोरी लिख भी दिया है, और यहाँ पे शेयर नाउ पे आप क्लिक करेंगे। शेयर नाउ पे क्लिक करते ही क्या होगा कि ये जो फोटो है आपका फेसबुक पे भी शेयर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई गलती से हट जाता था, क्या करना है आपको, यहाँ थ्री डॉट पे अंदर आकर, जैसे कि यहाँ पे जो आपका स्टेटस दिख रहा है उसी के सामने थ्री डॉट है उस पर क्लिक करें, फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हो फॉरवर्ड है, शेयर है, शेयर टू फेसबुक है। अगर वहाँ से फेसबुक का ऑप्शन हट जाता है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको शेयर कर सकते हो। शेयर नाउ पे क्लिक करोगे तुरंत ये क्या होगा कि व्हाट्सअप का जो स्टेटस है वही आपके फेसबुक पे भी सेव हो जाएगा, यानी शेयर हो जाएगा। और क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बैक करते हैं और व्हाट्सएप पे आते हैं। ये तो हो गया फोटो और वीडियो लिखने का। अगर आपको कोई लिंक शेयर करनी है या फिर क्या हो जाएगा कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप जो भी लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। और कलर वगैरह भी यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। इमोजी लगाना है तो यहाँ से कोई भी इमोजी लगा सकते हो। टेक्स्ट या जो टेक्स्ट का स्टाइल है उसको भी आप यहाँ टी पे क्लिक करके देखिए चेंज कर सकते हो। जैसा भी आपको करना आप यहाँ से कर सकते हो। सो जो भी आपको करना है यहाँ से आप लिख सकते हो। देखिए ये चीज़ जो होगा, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई लिंक ऐड करना है, जैसे कि जो मैंने अभी जो इमेज डाला है उसी का मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को भी उससे रिलेटेड कुछ भी अप्लाई अपना आवेदन करना है तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके ले जाके क्या करता हूँ फिर से बैक आके आपको दिखा देता हूँ। पेंसिल पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कलर आपको जो भी करना हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। टी पे क्लिक करके आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इमोजी लगा सकते हो। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपना जो मेरा भी जो भी लिंक है उसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर थोड़ी देर प्रेस करूँगा तभी देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, या यहाँ क्लिप बोर्ड पर क्या होता है ये सेव रहता है। सो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा स्पेस दूंगा और जस्ट सेकंड वेट करूँगा तो जो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है उससे रिलेटेड जो इमेज वगैरह है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए थोड़ा सा सेकंड का टाइम लिया और यहाँ पे तुरंत ये शो करने लगा, और इस पर जैसे मैं शेयर पर क्लिक करूँगा ये भी क्या हो जाएगा मेरे स्टेटस पर शेयर हो जाएगा। और इसको भी फेसबुक पर शेयर करना, बस यहाँ पर क्लिक करें और ये क्या हो जाएगा फेसबुक पर शेयर होने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से गलती से क्या होता है कि जो आपका शेयर का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे देखिए अब हट गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ थ्री डॉट पे जाना है, फिर इस थ्री डॉट पे यहाँ से शेयर टू फेसबुक पे जाना है और ये आपका यहाँ से शेयर हो जाएगा। शेयर नाउ पे क्लिक कर दें अगर,
सो इस तरीके से आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शेयर हो या फिर नहीं। फेसबुक पे जाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मेरा स्टेटस है यहाँ पे भी, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पहला वाला स्टेटस था क्रिएटिंग पोस्ट, अभी ये बना रहा है। देखिए यहाँ से शेयरिंग का ऑप्शन हो रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ उसके बाद शेयर हो जाएगा। और दूसरा वाला पोस्ट भी देखिए यहाँ से शेयर हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एक ही स्टेटस को व्हाट्सअप और फेसबुक दोनों पर एक साथ सेव कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। अगर ऐसा हो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।